नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो चलिए बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर सीएम नीतीश ने आज बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का शुभारंभ किया। इससे पहले कल राज्य में 40 कंपनियों ने उद्योग इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कंपनियों और बिहार सरकार के बीच बुधवार को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। कंपनियों की ओर से राज्य में करीब 26,805 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की गई। पटना के ज्ञान भवन में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के तहत हो रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट में कई कंपनी के चेयरमैन, सीईओ और प्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें सीएम नीतीश के अलावा जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और आगामी चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है और सियासी मैदान में राम के बदले सीता को लेकर आए हैं। एक तरफ पीएम मोदी अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं उससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का शिलान्यास कर भाजपा को सख्ते में डाल दिया है। और अब आगामी लोकसभा चुनाव में श्री राम को मां सीता से चुनौती मिलने वाली है। बिहार के सभी शिक्षक अपने स्कूल के 15 किलोमीटर के परिधि में अथवा प्रखंड मुख्यालय में ही अपना आवास रखेंगे, ताकि उन्हें स्कूल आने जाने में असुविधा नहीं हो और पढ़ाई भी सुचारू ढंग से हो सके। इसके लिए सभी शिक्षकों को 31 जनवरी 2024 तक का समय दिया गया है। 31 जनवरी तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक यह शपथ पत्र देंगे कि उन्होंने स्कूल के 15 किलोमीटर अथवा उस प्रखंड मुख्यालय में अपने आवास की व्यवस्था कर ली है और वह वहीं रहते हैं। ऐसा करने के बाद शिक्षकों को फरवरी माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। पटना में साइबर अपराधियों ने 7 लोगों से करीब 11 लाख रुपए के ठग किए हैं। इसमें से कुछ लोगों को लिंक भेजकर ठगी की गई है, तो कुछ लोग गूगल पर नंबर खोजने के चक्कर में ठगी के शिकार हुए हैं। इसको लेकर पीड़ितों ने साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल कंकड़बाग के रहने वाले अनिल कुमार के मोबाइल पर साइबर ठगों ने बैंक का KYC अपडेट करने के नाम पर लिंक भेजा था। वह झांसे में आ गए और लिंक पर क्लिक कर दिया। कुछ देर बाद उनके बैंक खाते से 47,000 रुपए की निकासी हो गई। मुंगेर में अंग महोत्सव होने जा रहा है, जहां फिल्मी कलाकार इस महोत्सव में समा बांधेंगी, जहां मुंगेर के लोग इसका लुत्फ उठा पाएंगे। आगामी 16 और 17 दिसंबर 2023 को मुंगेर स्थापना दिवस से अंग महोत्सव की तैयारी आरंभ हो चुकी है। इस क्रम में जहां पोलो मैदान में स्टॉल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, वहीं अन्य कार्य के लिए भी सभी पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं। अंग महोत्सव से मुंगेर स्थापना दिवस पर इस बार बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सचेत और परंपरा अपने मनमोहक व सुमधुर गीत से समा बांधेंगे। भोजपुरी पावर स्टार अभिनेता सह गायक पवन सिंह दूसरी पत्नी से तलाक के मामले में एक बार फिर आरा सिविल कोर्ट पहुंचे। बुधवार की दोपहर कोर्ट पहुंचने के बाद पवन सिंह ने फैमिली कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह के समक्ष अपना पक्ष रखा। हालांकि इस बार उनकी पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। इधर पवन सिंह की ओर से कोर्ट में दूसरी पत्नी ज्योति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इधर पुराने संसद पर हमले की बरसी पर नई संसद में सुरक्षा चूक मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। नए संसद की लोकसभा में 2 व्यक्ति दर्शक दीर्घा से अनाधिकृत रूप से घुसे और नारेबाजी करते हुए धुएं जैसा कोई पदार्थ फैला दिया। इस मामले में सुरक्षा चूक को ध्यान में रखते हुए 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
उधर झारखंड में भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं की एक सूची तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। बता दें कि आगामी 28 दिसंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन वाली सरकार अपने 4 साल पूरे कर लेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने हटिया आनंद विहार झारखंड सवर्ण जयंती एक्सप्रेस को बहाल करने का फैसला किया है। इससे पहले रेलवे ने एक अधिसूचना में कहा था कि यह ट्रेन ठंड के मौसम में कोहरे और धुंध के कारण 4 दिसंबर 2023 से 1 मार्च 2024 तक कैंसिल रहेगी, लेकिन रेलवे ने एक बयान में बताया कि ट्रेन संख्या 12874 को बहाल करने का फैसला किया है। यह 14 दिसंबर को हटिया से खुलेगी, जबकि 15 दिसंबर को आनंद विहार से इसका परिचालन शुरू किया जाएगा। इससे यूपी, बिहार और झारखंड के रेल यात्रियों को फायदा होगा। अब खबर खेल जगत की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 आज यानी 14 दिसंबर 2023 को जोहान्सबर्ग के न्यू वंडर्स में खेला जाएगा। इससे पहले कैबरा में खेले गए दूसरे टी20 में भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि उस मुकाबले में बारिश ने खलल डाली थी, जिससे टीम इंडिया को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार तीसरे मुकाबले के लिए टीम की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव कर सकते हैं। टीम इंडिया को सीरीज 1-1 से बराबर करने के लिए हर हाल में तीसरा टी20 जीतना होगा। अब बात मौसम के मिजाज की। पटना समेत तो बिहार में ठंड बढ़ने लगी है। दिन ब दिन सर्दी तेवर दिखा रही है। बुधवार को पटना समेत 21 शहरों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आज यानी गुरुवार को ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है, लेकिन पछुआ का प्रभाव रहने से लोगों को कनकनी का एहसास होगा। इस दौरान दोपहर में अच्छी धूप खिलेगी। वहीं प्रदेश के अधिकतर जिलों के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। तो ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। बने रहिए इसी तरह से दर्श न्यूज पर।